शिमला में आज एक हादसा हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंकने आए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की मामूली सी चूक उन पर बहुत भारी पड़ गई। एक हादसे में एक कार्यकर्ता गंभीर रूप से झुलस गया। एक बेजान पुतला कितना खतरनाक हो सकता है, इसकी मिसाल आपके सामने है। ये तस्वीर शिमला की है और आज एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। शिमला के डीसी दफ्तर के सामने ये जमावड़ा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का है। मकसद था मोदी सरकार पर सियासी हमले का, तैयारी थी विरोध प्रदर्शन की, लेकिन दांव उल्टा पड़ गया। आग तो पीएम मोदी के पुतले में लगाई गई, लेकिन इसकी आंच में कांग्रेस के ही कार्यकर्ता झुलस गए। कई बार ऐसी घटनाएं उत्साह में होकर हो जाती है जब वो करते हैं, उस बारे में उसका पूरा उपचार के लिए उन्हें भेज दिया गया और जल्दी वो ठीक हो जाएगा। तस्वीर देखकर पूरा वाक्य आप समझ गए होंगे। हुआ यूं कि आग लगाने से पहले पुतले पर पेट्रोल उड़ेला गया, लेकिन उड़ेलने का काम खत्म हो पाता उससे पहले ही पुतले को चिंगारी दिखा दी गई। शोले भड़के तो चपेट में दो कार्यकर्ता आ गए। एक महिला कार्यकर्ता के कपड़े में लगी आग तो बुझा दी गई, लेकिन दूसरा शख्स पूरी तरह जख्मी हो गया। विकास शर्मा, शिमला आज तक। हादसे की एक हैरतअंगेज तस्वीर सामने आई है। एक कार ने सड़क पर जा रहे साइकिल सवार को धक्का मारा, देखिए आप, और वो साइकिल सवार सड़क पर गिर गया। कार उसके ऊपर से गुजर जाती